दिलवालों की दिल्ली कही जाती है, लेकिन दिल्ली को आखिर हो क्या गया है? बात बात पर लोग यहाँ पर बंदूक निकाल लेते हैं। पिछले दिनों दिल्ली के मोरी गेट इलाके में गैंग वॉर की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई थी, और अब दिल्ली से ही बंदूकबाज बदमाशों का दनादन फायरिंग करता एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, दिल्ली की सड़कों पर फायरिंग, बदमाशों ने दनादन फायरिंग की। पिस्टल से कई राउंड फायरिंग, आधी रात में दिल्ली में दनादन फायरिंग और बेखौफ बदमाश। देश की राजधानी से आई इन तस्वीरों को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दिल्ली में बदमाश किस कदर बेखौफ हो गए हैं, इस बात का अंदाजा इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें हथियारों से लैस बदमाश खुलेआम सड़कों पर फायरिंग कर रहे हैं। देखिए, बनियान पहने हुए एक युवक अपने घर में घुसता है और सामने से एक महिला और उसके साथ दो बच्चे भी सड़क पर आते दिखाई दे रहे हैं। तभी एक नकाबपोश बदमाश हाथ में पिस्टल लेकर आता है और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। इसके बाद बदमाश का हेलमेट पहने हुए दूसरा साथी भी पिस्टल से दनादन गोलियां बरसाता है। वीडियो में बदमाशों ने एक के बाद एक 18 गोलियां चलाई। हालांकि गनीमत रही कि वारदात में युवक बाल बाल बच गया। गोली चलाने के बाद दोनों बदमाश अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फिर से तांडव मचाते हैं। देखिए, नीली टी शर्ट पहने हुए एक बदमाश फिर से वापस लौटता है और पिस्टल निकालकर गोलियां बरसानी शुरू कर देता है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान सड़क से कई गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि बदमाशों की सूचना पुलिस को दे दे। 20 सड़क पर बेखौफ बदमाश इसी तरह कुछ देर तक खड़े रहते हैं। तभी पीछे से एक ऑटो आता है। बदमाश ऑटो सवार पर भी बंदूक टांग कर उन्हें वहां से जाने को कहते हैं, और दिल्ली की सड़कों पर गुंडागर्दी का ये खेल काफी देर तक इसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन एक भी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी इस जगह से नहीं गुजरती, और बड़े आराम से बदमाशों का साथ हाथ पकड़कर बाइक पर बैठाता है और तीनों बदमाश फरार हो जाते हैं। बदमाशों ने बिल्डिंग की दीवारों और खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। वीडियो को लेकर छानबीन की तो पता चला कि ये वीडियो दिल्ली के नंद नगरी इलाके का है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस वारदात के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो किस जगह का है और कितना पुराना है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।